नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत के संकल्प से जिताना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दोनों हाथ उठवाकर भारत माता की जय का नारा लगवाया। अमित शाह ने कहा कि सरकारें परिवारों के लिए नहीं, समाज के सबसे गरीब लोगों के लिए होती है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 5 साल और कोरोना काल तक में घर बैठे रहे नेता चुनाव आते ही नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं। वहीं यूपी चुनाव को लेकर शाह ने कहा है कि यूपी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और दिल्ली का रास्ता यूपी होकर ही जाता है और इसलिए यूपी के चुनावों में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मैं यहाँ पर अमित शाह का आगमन होगा और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता समेत तमाम वरिष्ठ मंत्री भी आ गए हैं। यहाँ पर कौशल किशोर आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़े हुए हैं। कौशल किशोर जो केंद्र के राज्य मंत्री हैं। कौशल किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है। कौशल किशोर जी हम आपको सुनना चाहेंगे कि ये यहाँ पर आप मौजूद आए हैं अमित शाह ने कितने ज़्यादा उत्साहित हैं। 86 लाख कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा भाजपा मेरा परिवार मेरा घर। किस तरीके से देखेंगे, कितना फायदा होगा, क्या मोटिव है? मोटिव तो ऐसी है कि जनता को सारी सुविधाएं मिलती रहें और बीजेपी ही दिला सकती है और बीजेपी ने अपने शासनकाल में दिलाया है। फिर से इस बार योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आपको लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश की जनता में कुछ कमी ऐसी रही होगी जिससे जनता नाराज होगी? नहीं, जनता कोई नाराज नहीं है क्योंकि विपक्ष ने कोई काम नहीं किया और विपक्ष केवल घर में बैठ करके ट्वीट करता रहा, इसलिए जनता को जो सारी सुविधाएं मिली है ये सुविधाएं प्राप्त होती रहे। इसलिए जनता इस बार पिछले बार जितनी वोट दिया था उससे ज्यादा वोट देगी। पिछले बार हम 325 जीते थे, इस बार चाहे एक ज्यादा जीते, 326 ही जीते मगर ज्यादा जीते। उत्तर प्रदेश में आपको भरोसा जताया गया है, आपको केंद्र का राज्य मंत्री बनाया गया, यहाँ आप यहाँ पर आ रहे हैं अमित शाह जी को कल ही मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लेकिन उसका लगे शायद कि पेट्रोल पर वैट टैक्स लगाएंगे दिल्ली में, इससे क्या संभावना, क्या उत्तर प्रदेश में जनता को पेट्रोल पर वैट टैक्स की राहत मिलेगी या अमित शाह के संबोधन में स्वागत देंगे? अब ये सरकार अभी तय करेगी, बैठक में तय करने का निर्णय लेने का काम करेगी और जैसा निर्णय लेंगे वैसा बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है उसमें जो है यूपी में हम अत्यंत बहुतों को आखिरी सवाल है, आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महंगाई है कि नहीं? ये महंगाई का और कोई सवाल नहीं है, सारी चीज़ें लोगों को मिल रही है, मुफ्त में लोगों को राशन मिल रहा है, मुफ्त में इलाज लोगों को मिल रहा है। यूपी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी इस बार छोटे छोटे दल पर अपनी नजर लगाए हुए है। वहीं इसी बीच सर्व समाज एकता दल के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह कश्यप ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपना समर्थन देने की घोषणा की। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और आदमी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज कौल ने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था। तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से छोटे छोटे दलों पर दाव खेलने की कोशिश कर रही है। लगातार तमाम ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिनका समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी से है और इस संबंध में मेरी नेताजी से कई बार वार्ता भी हो चुकी है। शिवपाल ने कहा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अगर अखिलेश यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को गठबंधन में नहीं लेते तो वो पूरे प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे। तो मेरठ पहुंचे शिवपाल यादव, लगातार तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि गठबंधन की पहली प्राथमिकता हमारे लिए सपा है। दरअसल मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की पहली प्राथमिकता हमारे लिए समाजवादी पार्टी से है और इस संबंध में मेरी नेताजी से कई बार बातचीत भी हो चुकी है। शिवपाल आगे कहते हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अगर अखिलेश यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को गठबंधन में नहीं लाते तो वो पूरे प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुक्रवार को अमेठी पहुंची, जहां शक्तिपीठ मां
कालीकंद धाम मंदिर में कांग्रेस नेताओं ने दर्शन पूजन किया। इस दौरान प्रतिज्ञा यात्रा में कांग्रेस नेता अजय राय, एमएलसी दीपक सिंह, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा समेत कई नेता शामिल रहे। बता दें कि शुक्रवार से अगले दो दिनों तक अमेठी की सभी विधानसभाओं में ये प्रतिज्ञा यात्रा जाएगी। साथ ही इस प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता नुक्कड़ सभा, जनसभा और बाइक रैली भी आयोजित करेंगे। तो अमेठी पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, यहाँ पर मंदिरों में दर्शन पूजन कांग्रेस कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। मां कालीकंद धाम मंदिर में पूजा अर्चना की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जिलों में ये प्रतिज्ञा यात्रा जाएगी और यहां पर कांग्रेस किस तरह से लोगों से जुड़ी हुई है, जो आम जनता के लिए किस प्रकार काम कर रही है, ये तमाम बातें जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। पीलीभीत में अपने संसदीय क्षेत्र में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत मंडी समिति में पहुंचकर किसानों के धान की तौल न होने को लेकर डिप्टी आरएमओ सहित अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई है। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो जल्द ही सुधर जाएं, नहीं तो उन्हें जेल जाना भी पड़ सकता है। वहीं इस दौरान सांसद वरुण गांधी ने किसानों की समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान के लिए कोर्ट जाने तक की बात कही। बता दें कि सांसद वरुण गांधी के निरीक्षण के दौरान मंडी समिति में अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पीलीभीत की, जहां पर डिप्टी आरएमओ को जमकर फटकार लगाई है वरुण गांधी ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो तुरंत सुधर जाएं, वरना आगे और कार्रवाई हो सकती है। दरअसल पीलीभीत में अपने संसदीय क्षेत्र में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत मंडी समिति में पहुंचकर किसानों के धान की तौल न होने को लेकर डिप्टी आरएमओ सहित अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हम चेतावनी देते हैं कि वो जल्द ही सुधर जाएं, नहीं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इस दौरान सांसद वरुण गांधी ने किसानों की समस्याओं को भी सुना है और उनके समाधान के लिए कोर्ट जाने तक की बात कह दी है। आपको बता दें कि सांसद वरुण गांधी के निरीक्षण के दौरान मंडी समिति में अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा है। तो इससे पहले भी किसानों के समर्थन में सांसद वरुण गांधी आवाज उठाते रहे हैं। ट्विटर पर भी सरकार के खिलाफ वो आवाज उठाते रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को अपना प्रतिनिधि हर कांटे पे, ज़िले पे, कमिश्नरी पे, प्रदेश में बिठाना है। और मैं सारे जनप्रतिनिधियों से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि सब लोग इसमें शामिल हों। जहाँ जहाँ उनका प्रतिनिधि एक भी भ्रष्टाचार का साक्ष्य पाए, वहाँ पे सीधे आप कोर्ट में जाइए और जो जो भ्रष्टाचार में शामिल है उनको जेल भिजवाइए। मऊ में पीस पार्टी की ओर से निकाली गई संपूर्ण स्वराज यात्रा आजमगढ़ से चलकर मऊ के घोसी पहुंची। पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान ने जनसभा को संबोधित किया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान ने कहा है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग अलग गठबंधन बन रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या का मुद्दा कोई भी पार्टी नहीं उठा रही। और हमें लगता है कि जब तक जनता के मुद्दों की समस्याओं को लेकर कोई भी पार्टी जनता के पास नहीं आएगी, तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। मऊ की तस्वीरें, पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने जनसभा को संबोधित किया है। पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा मऊ पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लगातार आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। दरअसल मऊ में पीस पार्टी की ओर से निकाली गई संपूर्ण स्वराज यात्रा आजमगढ़ से चलकर मऊ के घोसी पहुंची। पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान ने जनसभा को संबोधित किया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान ने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग अलग गठबंधन बन रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या का मुद्दा कोई भी पार्टी नहीं उठा रही। और हमें लगता है कि जब तक जनता के मुद्दों की समस्याओं को लेकर कोई भी पार्टी जनता के पास नहीं आएंगी, तब तक कामयाब हम नहीं हो पाएंगे। इस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा करीब पिछले एक महीने से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में चल रही है और आपके जनपद मऊ में आज पहुंची है। अभी तो अलग अलग गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, लेकिन जनता का जो मुद्दा है वो कोई भी दल नहीं उठा रही है। और हमें लगता है कि जब तक जनता के मुद्दों के साथ सारी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी, तब तक वो कामयाब नहीं होंगी। पीस पार्टी शोषित, पीड़ित, उपेक्षितों, दलितों, मुसलमानों, युवाओं, महिलाओं, सबके मुद्दों को लेकर साथ चल रही है। और हमें यकीन है कि जो समर्थन मिल रहा है, पीस पार्टी मजबूती से सरकार बनाएगी या सरकार में भागीदार रहेगी।
गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको शुक्रवार को हटाया गया। बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड हुई थी। इस दौरान यहां हिंसा भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां लोहे और सीमेंट के बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिसे आज हटाया गया है। लगभग पिछले 11 महीनों से किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार इसमें नए मोड़ आते गए। 26 जनवरी के बाद से दिल्ली पुलिस ने यहां पर बैरिकेड कर दिया था। 7 लेयरों से इसको बैरिकेड किया गया था ताकि किसान दिल्ली ना जा सके। जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई थी उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से जो है बैरिकेड कर दिया था, लेकिन अब तस्वीरें थोड़ा बदल रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से बैरिकेड को हटाया जा रहा है। सीमेंटेड बैरिकेड है, इसको हटाया जा रहा है। इससे पहले 3 से 4 लेयर को हटा दिया गया है और अब यहां पर 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग बची है। इन तमाम चीज़ों को यहां से हटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी धरना रास्ता रोककर ज़्यादा समय तक नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद किसानों ने अपना रास्ता साफ करते हुए कहा कि वो यहाँ पर रास्ता रोककर नहीं बैठे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग यहाँ पर की है, वो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन उसके 3-4 दिन बाद अब तस्वीरें यहाँ पर बदल चुकी हैं। तस्वीरें आप देखेंगे किस तरह से जो है यहाँ पर ये बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र जी, अब रास्ता हटाया जा रहा है, बैरिकेडिंग पूरी तरह से हटाई जा रही है, अब आगे आंदोलन का रास्ता किस तरह से होगा? तो सरकार ने रास्ता रोक रखा था, सरकारी रास्ता खोल रही है। अच्छा, अब रास्ता खोल रही है, लेकिन पीछे जिस तरह से टेंट लगे हैं, तो क्या आप अब यहाँ पर रुकेंगे या दिल्ली चले जाएंगे और ये जो रोड है आम जनता के लिए खुल जाएगी? वो भी किसान रोड तो जनता के लिए, तो हमने रोक ही रखा रास्ता, जनता का तो रास्ता खुला हुआ है हमारी तरफ से। तो किसान, वो किसान तय करेगा किसान कहाँ रहेगा, दिल्ली जाएगा क्या करेगा, वो भी तय करेंगे। तो बिल्कुल, देखिए आने वाला समय ये भी बता देगा कि यहाँ पर किसान रुकता है या फिर दिल्ली के संसद में जाकर अपना धरना प्रदर्शन तेज करता है। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। 24 अक्टूबर को हुए भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के जीतने पर खुशियां मनाने वालों पर अब एक एक कर FIR दर्ज हो गई है। वहीं बरेली में भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के समर्थन पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनमें से एक जेल का बंदी रक्षक है। वहीं बरेली में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के समर्थन और भारतीय टीम की निंदा के मामले में बरेली के इज्जतनगर थाने में भी 2 अलग अलग लोगों के खिलाफ 2 मुकदमे लिखे गए हैं। चौबीस तारीख को हुए भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर भारत की हार पर एक अवध टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर बरेली में इज्जत नगर थाने में एक मुकदमा लिखाया गया। मेरे साथ हैं अरुण जी, जो कि हिंदू जागरण मंच से जिलाध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि आखिर क्या पूरा मामला था। ये मैच के बाद जो खुशियाँ लोग मनाते हैं और कुछ लोग गम भी मनाते हैं, उसी में एक था जो हमारे देश के सरकारी सेवा में था, पुलिस विभाग में, और यहाँ की बरेली सेंट्रल जेल में वो सर्विस करता है, मुरादाबाद का निवासी है। जानना चाहेंगे आपको कैसे इस बारे में पता लगा, क्या वो अवैध टिप्पणी रही है, क्या वो कमेंट रहा है? हाँ, वो किसी के फ़ोन के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, उसके थ्रू मेरे पास मैसेज आया और उसमें लिखा था, इंडिया ने देखे पाकिस्तान के तेवर, यहाँ तो 2 ही भारी पड़ गए सानिया मिर्जा के देवर, जो कि वहाँ पर जिहादियों के साथ उसने शादी की, और उसने उसको पाकिस्तान को बढ़ावा देने के लिए, उसका मोराल अप करने के लिए, इंडिया को नीचा दिखाने के सोच से उसने ये बात स्टेटस पर लगाई, जो हम लोगों को चुभी और ये मैं सोचा है कि हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि ये देश का नमक खा रहा है, सरकारी सेवा में है, तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ गद्दारी करे। इस शख्स से आपकी बातचीत हुई फ़ोन पे या सोशल मीडिया साइट पर? हाँ, ये सोशल मीडिया नहीं, मेरी फ़ोन पे बात हुई उससे, उसके नंबर पे। इसका व्यवहार बाकी पाकिस्तान प्रेम था और इंडिया के प्रति नफरत जैसी भावना थी, उसी में लेकर के बात आगे बढ़ी, और ये अपनी पुलिस की वर्दी का हमको रोब भी दिखा रहा था, धमकी भी दे रहा था कि मैं पुलिस में बरेली में ही पुलिस में हूँ और मैं बाद में फिर देखता हूँ, आप भी बरेली के रहने वाले हो। अभी आपने मुकदमा दर्ज कराया है, क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से? पुलिस ने FIR दर्ज की है, उस पर अभी पुलिस ने अगले कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विषय में हम आज ADG महोदय से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिस प्रकार के शासन के दिशा निर्देश हैं
उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों के क्या कार्रवाई, क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, तो हिंदुस्तान के प्रति उनकी कोई वफादारी होनी चाहिए, ना कि पड़ोसी देश में प्यार जो जग रहा है वो बिल्कुल गलत है। अगर वो हैं तो देशद्रोही हैं और देशद्रोही का मुकदमा इन पर चलना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभद्र टिप्पणी हमारे देश के लिए करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और जो कि जायज़ भी है। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार। एक वादी के द्वारा थाना इज्जत नगर पर तहरीर दिया गया, तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि 24/10/2021 को भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट मैच हुआ था उसके संबंध में दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे अलग अलग स्टेटस लगाए थे जिसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उक्त संबंध में थाना इज्जत नगर पर 504, 506 और 66 IT Act के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चूँकि प्रकरण IT Act संबंधित है इसलिए इसकी विवेचना गहनता से की जाएगी, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधिक्रिया सुनिश्चित कराई जाएगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा हमीरपुर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व सांसद राकेश सचान इस प्रतिज्ञा यात्रा में मौजूद रहे। बता दें कि ये यात्रा लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा होते हुए हमीरपुर पहुंची है। यूपी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट प्रांगण में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। इसके बाद जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सौम्य पांडे, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा सभी ने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक विजय ढुल की ओर से पुलिस लाइन ग्राउंड पर शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी ले ली गई, साथ ही परेड का निरीक्षण किया गया। वहीं परेड में अपर पुलिस अधीक्षक समेत कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस लाइन में परेड के बाद शांति व्यवस्था के मद्देनजर मॉक पलवा ड्रिल का भी आयोजन किया गया, जिसमें एंटी राइट गन, दंगा नियंत्रण उपकरणों का फायर कर डेमो परीक्षण भी किया गया है। मथुरा में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बालिका सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पूर्व माध्यमिक विद्यालय दघेटा में शुक्रवार को कक्षा 7 की होनहार छात्रा श्वेता तिवारी को अकेडमिक रिसोर्सेस पर्सन डॉ. जगदीश पाठक की गरिमामयी उपस्थिति में एक दिन का कार्यवाहक प्रधानाध्यापक बनाया गया। वहीं पदभार ग्रहण करने के पश्चात विद्यालय के सभी शिक्षकों ने उनके निर्देशों का अनुपालन किया। वहीं उन्होंने प्रार्थना सभा में साथियों को संबोधित करते हुए उन्हें नियमित रूप से समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया और स्वयं स्वच्छ रहकर विद्यालय को भी स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने को कहा गया है। सहारनपुर नगर निगम की ओर से आयोजित विकास दीपोत्सव का गांधी पार्क मैदान में शुभारंभ हुआ। इस मेले का शुभारंभ कैराना के बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने किया। वहीं इस दौरान नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं यहां उनका प्रदर्शन हो रहा है और जितने भी हमारे वेंडर समूह और जो रेडी पटरी पर दुकानें लगाते हैं वो सब यहाँ दुकानें लगाएंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, सहायता समूह हैं या अन्य लोग भी हैं जो पटरी पर दुकानें लगाते हैं, सबको यहाँ रोज़गार का अवसर दिया जा रहा है। दुकानें लगाएंगे वो, जिससे अपना आत्मनिर्भर
उनको बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से भी यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जानकारी, इसके अलावा जो हमारे तमाम सारे स्टॉल लगे हुए हैं वो स्वयं सहायता समूह के भी लगे हुए हैं, सरकारी के भी लगे हुए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक ही मेले के अंदर लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो किस तरह से सरकारी मदद ले सकता है, प्रधानमंत्री आवास अगर वो चाहता है तो वो किस तरह से उसको मिल सकता है, या पीएम स्वनिधि योजना के तहत वो 10,000 का लोन उसको कैसे मिल सकता है, ये सारी जानकारी ये इस मेले में दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा के साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लाईवुड और हार्डवेयर के गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ी पहुंची और आग बुझाने में जुटी। वहीं आग इतनी तेज थी कि उसको बुझाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि करीब एक घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान इस आगजनी में जलकर राख हो गया। शामली में सरकारी अस्पताल में अवैध उगाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक नर्स अस्पताल पहुंची। महिला के परिजनों ने डिलीवरी के बाद इनाम के रूप में अवैध उगाही के नाम पर नर्स पैसे ले रही है। वहीं परिजनों की ओर से कम पैसे देने पर नर्सों ने परिजनों के मुंह पर पैसे फेंके। बताया जा रहा है कि ये वीडियो शामली के थाना भवन सरकारी अस्पताल का है, जहाँ ये नर्स लोगों से उगाही करती हुई नजर आ रही है। कुशीनगर का व्यवसायिक कस्बा सेवरही का मुख्य मार्ग पिछले साल से राजनीतिक वादों की भेंट चढ़ गया। ये वही कस्बा है जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अजय कुमार लल्लू का निवास स्थान है और उन्हीं के घर के बगल में लंबे समय से खराब सड़क निर्माण के लिए पूर्व नगर चेयरमैन त्रिभुवन जायसवाल 22वें सप्ताह से धरना दे रहे हैं। आज धरनास्थल पर समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी सुरेश यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता सहित कई नेताओं ने धरने का समर्थन करते हुए सभा की और क्षेत्रीय विधायक अजय लल्लू, चेयरमैन श्याम सुंदर विश्वकर्मा और ईओ अजय गुप्ता को जिम्मेदार ठहराते हुए आने वाले 12 नवंबर से कार्यालय घेराव सहित बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये इस मुद्दे सहित प्रदेश में जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, सड़कें के मुद्दे हैं, उसका लेकर लगातार समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है और अधिकारियों से वार्ता भी कर रही है, लेकिन कष्ट की बात यह है, दुख की बात यह है कि यह सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है और व्यापारियों का ये नहीं चाहती है व्यापारी शुद्ध रूप से व्यवसाय करे, किसान अपना खेती कर सके, नौजवान नौकरी कर सके। इस तमाम जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र में लोग हैं, उनको दबा देना चाहती है और केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने का काम कर रही है। बरेली में मंत्री के पीए बनकर फर्जी कॉल कर अधिकारियों को गुमराह करने वाले आरोपी को इज्जतनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक कार, फर्जी 4 सिम और 2 मोबाइल समेत कई सामान भी बरामद किए हैं। वही मामले में एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने बताया कि थाना इज्जतनगर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके पास एसओजी प्रभारी और थाना इज्जतनगर प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।